लोकसभा चुनाव में गुना शिवपुरी संसदीय सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सुर्खियों में आए भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव की मुश्किल बढ़ गई है। मुंगावली एसडीएम ने यादव और उनके बेटे के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। यह कार्रवाई एसडीएम द्वारा 2014 में बेटे के सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमी लेयर 8 लाख रुपए से कम बताने पर की गई है। मुंगावली एसडीएम ने कार्यवाही करते हुए भाजपा सांसद केपी यादव व उनके बेटे का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। केपी यादव पर बेटे को आरक्षण का लाभ दिलाने का आरोप लगा है। अगर इस मामले में केपी यादव दोषी ठहराए जाते हैं तो उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई एसडीएम द्वारा 2014 में बेटे सार्थक यादव को पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अपनी आय क्रीमी लेयर 8 लाख से कम बताने पर की गई है, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान यादव ने अपनी आय 39 लाख रुपए बताई थी। दोनों आय में अंतर होने पर मुंगावली से कांग्रेस विधायक बिजेंद्र सिंह यादव ने इसकी शिकायत एसडीएम से की थी। जांच के बाद एसडीएम ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर इसका प्रतिवेदन एसडीएम को भेजा है। कानून विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 466 दस्तावेज की कूट रचना एवं 181 शपथ दिलाने या अभिपुष्टि कराने के लिए अधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या अभिपुष्टि का झूठा बयान तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सांसद ने जो आय प्रमाण पत्र बनाया था उसमें उन्होंने अपनी आय को जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठाने के लिए क्रीमी लेयर के नीचे दर्शाया था। किसी गरीब का हक मारकर डॉक्टर यादव इसका फायदा अपने बच्चे को दिलवाना चाहते थे। यह नियम विरुद्ध है, उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनवाया है, इसमें इन्होंने अपनी आय को, जबकि ये क्रीमी लेयर में ऐसा नियम है कि जो क्रीमी लेयर में के ऊपर आता है ना, उसको ये फायदा नहीं मिलता आय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का। तो इन्होंने अपनी जाति प्रमाण पत्र का ये फायदा उठाया कि अपने क्रीमी लेयर के नीचे इन्होंने अपनी आय दर्शाई और उसका फायदा ये अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं, जबकि ये नियम के विरुद्ध है। इन्होंने जो अपनी आय है ना, जब फॉर्म डाला था तो तब इन्होंने अपनी आय अलग दर्शाई है और ज़्यादा दर्शाई है, और जो इन्होंने अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया उन्होंने इसमें अपनी आय कम बताई है, जबकि ये क्रीमी लेयर की उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी आय तो ज़्यादा ही, अपना रिटर्न भरते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल होना चाहिए और इनके ऊपर 420C का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सांसद जी और उनके पिता ने जाति प्रमाण पत्र में आय कुछ और दिखाई और अपना जो उनको लाभ हुआ, जो रिटर्न भरा, वो अलग दिखाया? बिल्कुल अलग अलग है, दोनों आप मिलान करके देखें, दोनों अलग अलग है बिल्कुल। तो आपका कहना है इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है? बिल्कुल फर्जी है, वो निरस्त होना चाहिए और इनके ऊपर 420C का मुकदमा कायम होना चाहिए। तो आपको ये करने में तकलीफें तो आई होंगी, ये इतना महत्वपूर्ण आपने ये जो काय की तकलीफ, कोई भी अगर गलत काम करता है तो गलत बात रखने में और उठाने में कौन सी तकलीफ है? ये तो बिल्कुल रखना चाहिए। कोई अगर गलत काम, ये कहीं ना कहीं किसी गरीब का हक मार रहा है ना, तो ये तो गलत है ना, जबकि जो किसी गरीब को जो हक मिलना चाहिए, तो आपने गरीब का हक तो मार दिया और आप तो उसमें कैटेगरी में आते ही नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।